दूर की बात और उनका जो निचोड़ है ना, जो वेदांत बोलना है, आप में से लगभग जो है बड़ भागी स्वामी जी का मतलब सान्निध्य में रहा है, तो पत्थर में लिखा करता उठते बैठते वो बादशाह मेरा मतलब वो लेटर कै टाइप का लिखा करता मेरा क्या उठते बैठते चलते फिरते सदैव जो है भगवान का स्मरण करना वो नैया पार करे। तो सबसे मोटी बात तो देखो मन व्यक्ति मारा कमाए जो साधारण दिखने में साधारण बात तो दिखे दिखने में सभी जाना था पर महाराज जी की खयोड़ी जो बात है ना वो मतलब कितना प्रभाव करता बहुत साधारण बात। और थारी सबकी सुनोड़िया पर चले स्वामी जी की बात तो दोबारा दोहराओ अभी तो फायदों की मैं आपने बता रहे थे वेदांत की बात वेदांत को भी जो निचोड़ है अपने पति ने भगवान स्वामी जियों के मतलब गोदाम जाने के बाद में कितना समाज में परिवर्तन हुआ गया अपन देख रहे हैं। अपनों पति लंगो हो लुंगड़ो हो सब शास्त्रों में ये सब शास्त्रों में पर स्वामी जिया के वचना में जब वो बात आ जाती तो उसका महत्व मतलब एक मंत्र की तरह प्रभाव करता था। कोई भी देवी भाई अपना पति को भगवान मानो। अब देखो एक एक बात कोई भी एक भी बात पकड़ ले जो स्वयं स्वामी जी कहते थे कि वह हमारे एक रूम की भी कोई बराबरी कर ले तो उनको कल्याण। तो राजा की कितनी बात मतलब महाराज जी अब बाद में उम्र को और सत्संग को थोड़ा मतलब असर हुआ है तो आप पता लगा कि स्वामी जी कितनों शास्त्रा को जो निचोड़ है समझ में नहीं आया अगर तो वो शास्त्र एक तरफ रखे हुए या वो भले गीता लो भले भावार्थ लो भले आप भागवत लो अया को आम भाषा में भले वो अनपढ़ आदमी हो जैसे सभी के लिए कहा करता भाई माँ बाप की सेवा करो अब सभी जाने हैं और सब सुने भी हैं पर मैं अपना निवेदन करूँ महाराज जी का शब्द में जब वो बात आ करते ना तो वो बहुत मारने का सर गया। तो अपना सबका बड़ा भारी जो है भाग है तो वह स्वामी ज्ञान याद करा स्वामी ज्ञान का दर्शन हुआ बाकी तो आपका विश्वास कौन करा अया को चलो रह गया सब आप देखता हुआ जानता हुआ और महसूस करो हो कि साधु वेश में रहने के बाद भी स्वामी जी ने जो बात कही वो करके दिखाई। साधु वेश में रहते हुए स्वामी जी ने उनकी पोशाक देखो कोई मतलब दिखाओ नहीं किसी तरह कोई दो चार राजा का जाने दर्शन नहीं करा तो वह फोटो में तो दर्शन कर रहे। फिर दादी माँ साधु वेश में आने के बाद में जो दुनिया को कहते थे कि माँ बाप भगवान है वो उन्होंने लीला करके ना दिखाई साक्षात। बोलो गुरु भगवान की जय।